आज जिस भय से आप परेशान हैं और जिस भय से हमारा गांव परेशान है, वो हमारे साथ विधायक भी रहे और राजा भैया मेरे साथ विधायक रहे, मेरे साथ विधायक भी रहे और आज मैं सांसद हूं और उन्होंने पार्टी बनाई है। लेकिन जो व्यक्ति पार्टी का नेतृत्व कर रहा हो और वो व्यक्ति अपने अगल बगल पास पड़ोसियों को भी वो स्वतंत्रता ना दे सके, जो व्यक्ति स्वतंत्रता ना दे सके, जो व्यक्ति संविधान को ना जाने, वो व्यक्ति नेतृत्व क्या कर सकता है? वो व्यक्ति नेतृत्व नहीं कर सकता। नेतृत्व करने वाले का मतलब ये होता है वो किसी जात धर्म संप्रदाय के लोग हों, वो सबको साथ लेकर के चलना, ये नेतृत्व करने वाले की जिम्मेदारी होती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बचपन से लेकर के और संविधान बनाने तक बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना उनको करना पड़ा था। आप लोग गायक के माध्यम से, सांस्कृतिक प्रोग्राम के माध्यम से, अपने भाषण के माध्यम से, किताबों में पढ़ करके और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संघर्ष को आप लोग सुना करते हैं, देखा करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को तमाम कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी जब उनको भारत का संविधान लिखने का मौका मिला तो भारत के संविधान में सभी जात धर्म संप्रदाय के लोग, यहाँ तक कि जिन लोगों ने बाबा साहब को अछूत कहते थे, नीच कहते थे, और जब बाबा साहब को संविधान बनने का मौका मिला, बाबा साहब उन लोगों को भी संविधान में उनको भी बराबर की भागीदारी देने का काम किया। बाबा साहब नेतृत्व करते थे। ये भारत हमारा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, ये भारत के संविधान में सबको बराबर की भागीदारी है, भारत के संविधान में सबका बराबर का हक है और भारत के संविधान लागू है। भारत का संविधान का शपथ लेकर के चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो पंच हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो दरोगा हो, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो मास्टर हो, यानी जो भी लोग कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में काम करने वाले लोग हैं, ये सभी लोग उस पद के कुर्सी पर बैठने से पहले वो भारत के संविधान की शपथ लेते हैं और वो कहते हैं कि हम जो भी कुछ करेंगे भारत के संविधान के तहत करेंगे, हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन उस कुर्सी पर बैठने के बाद आखिर भेदभाव क्यों? अगर वो भेदभाव करते हैं बाद में, इसके मतलब वो संविधान को नहीं मानते। अगर वो संविधान को मानते तो सबको साथ लेकर के चलते और भारत के संविधान में सबको आजादी है, सबको बराबर का हक है, सबको बराबर का संविधान में व्यवस्था है। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि आज हमारे देश का भारत आज देश में हमारा भारत का संविधान, हमारा लोकतंत्र खतरे में है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं, बाहर प्रेस लगाकर प्रेस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज जो भारत का सबसे न्यायपालिका, जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका का जज बाहर निकलकर प्रेस करते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। आज हमारा संविधान खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है और भारत के संविधान का संविधान दिवस से आरएसएस और पैमा आरएसएस और बीजेपी के लोग मना रहे हैं। आज हमने देखा है, सुना है, क्या संविधान दिवस मना रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि ये आरएसएस और बीजेपी ये जो कहती है वो नहीं करती, जो नहीं कहती है वो करती है। ये भारत के संविधान को खत्म करने की साजिश पूरी तरीके से आरएसएस और बीजेपी ने तय कर लिया और वो साफ दिखाई देता है कि अभी आपने देखा
कि 2-3 दिन की नौटंकी है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 2-3 दिन में बहुमत किसी के पक्ष में है, रात में सरकार किसी की बन रही है, और सुबह जब भोर होता है और जिस समय मुर्गा कुकड़ू कू बोलता है उस समय सुबह 6:30-7 बजे उनका शपथ हो जाता है। ये मुख्यमंत्री का शपथ हो रहा है जो प्रदेश का नेतृत्व करने जा रहा हो, और उसका शपथ सुबह भोर में हो रहा है। ऐसी कौन बहुत बड़ी जल्दी थी, ऐसी कौन जल्दी थी? इसलिए जल्दी थी कि सुबह होते होते वो संविधान वो शपथ नहीं ले पाते, वो मुख्यमंत्री का शपथ नहीं ले पाते, इसलिए चोरी से धोखे से संविधान को दरकिनार करके, संविधान को न मान करके उन्होंने संविधान का शपथ लिया। ये झूठ बोलने वाले, ये संविधान को नहीं मानते। अभी आपने देखा अयोध्या मंदिर में, आपने देखा, मैं बात नहीं करना चाह रही थी लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जज बोलते हैं। मैं बाबा साहब का बहुत सम्मान करती हूँ और न्यायपालिका का बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि न्यायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया। सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका को सबको सम्मान करना चाहिए, सम्मान करते हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज जिस तरीके से उस दिन निर्णय पढ़ा जाना था, ये कहा गया कि किसी भी मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद नहीं बनाई गई, ये जज पढ़ते हैं, फैसला देते हैं कि कोई भी मस्जिद को, मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद नहीं बनाई गई। दूसरा फिर कहते हैं कि 1949 में मस्जिद में 2 मूर्ति रखी गई, और फिर कहते हैं कि 1992 में मस्जिद का गुम्बद तोड़ा गया, ये भी गलत है, और फिर कहते हैं कि जो गुम्बद तोड़ा गया ये भी गलत है, और इसके बाद निर्णय कहते हैं एक तरफा हो जाता है। मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था न्यायालय से ले दिया था कि एक तरफ गरीब आदमी हो, उसका कोई पैरोकार न हो, और अगर वो सही लड़ाई लड़ रहा है तो पूरा संदेश एक तरफ हो, अगर न्याय है, सही है, और अकेला ही आदमी है वो गरीब क्यों ना हो, निर्णय उस गरीब के पक्ष में जाना चाहिए। ये न्यायालय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था। मैं न्यायालय का सम्मान करती हूँ, लेकिन जो निर्णय आया है उस निर्णय, मैं न्यायालय का सम्मान करती हूँ लेकिन जो निर्णय आया है उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं, इसलिए कि संविधान की धज्जा उड़ाने का काम ये आज भारत में हो रहा है, ये भारत के संविधान को ये खत्म करने की साजिश हो रही है। संविधान बहुत लोग नहीं समझते होंगे, संविधान बहुत लोग नहीं समझते होंगे, मैं आपकी भाषा में ही बोलना चाहती हूँ, मैं समय भी कम लेना चाहती हूँ, बहुत लोग को जाना भी है, मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के सामने भारत का संविधान लेके आई हूँ। ये भारत का संविधान मैं बाजार से खरीद के नहीं लाई हूँ, अभी आप लोग इसको देखिएगा, ये भारत के संविधान मैं लोकसभा में प्रधानमंत्री और लोकसभा की जो स्पीकर हैं, लोकसभा की अध्यक्ष हैं, उनसे अनुमति लेकर के ये लोकसभा में जो रखा हुआ संविधान जो है वो संविधान मैं आप लोग के बीच में लेकर आई हूँ। इसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की दस्तखत भी है, अभी आप देख सकते हैं, अभी आप लोग देख लीजिएगा। और इस संविधान को जब मैं लोकसभा में पहुंची तो संविधान को जब मैंने निकलवाया और संविधान को जो पढ़ा, संविधान को जो मैंने देखा, संविधान को जो मैंने समझा, एक साजिश के तहत संविधान में दिए गए कानून को बहुत बारीकी से खत्म किया जा रहा है। भारत का संविधान दुनिया के संविधान से अच्छा संविधान वो भारत का संविधान है। अगर भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू कर दिया जाए तो भारत में चिराग उठा करके भी गरीबी आप ढूंढेंगे, भारत में गरीबी नहीं पाएंगे। लेकिन क्या कारण है कि संविधान लागू होने से लेकर और अब तक वो संविधान को जनता के बीच में पहुंचने देने से रोकने का काम किया गया,
टीवी पर, पेपर में और टीवी पेपर ट्विटर तमाम ऐसी जो गांव के बीच में प्रत्येक आदमी के बीच में जाता है उसमें महाभारत की तो कहानियां हैं। आप टीवी सुबह उठेंगे, शाम को आराम करेंगे, उसमें महाभारत शुरू हो जाती है। पिक्चर आते हैं, नाटक आते हैं, धारावाहिक आते हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जो बिना मतलब की आती है, लेकिन भारत में संविधान में दिए गए कानून के बारे में, संविधान के बारे में आज क्यों नहीं आता? क्या कारण है? संविधान क्या चीज है? संविधान वो चीज है, संविधान के तहत ही हमारा देश चल रहा है, और उस संविधान में दिए गए कानून के बारे में आखिर प्रत्येक नागरिकों को जानकारी क्यों नहीं है? उनको जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है? उनको क्यों नहीं बताया जा रहा है? क्या कारण है? वो इसलिए नहीं बताया जा रहा है कि भारत का संविधान, जिस दिन भारत का बहुजन, जिस दिन भारत के लोग, जिस दिन भारत में रहने वाले गरीब, कमजोर, लाचार, आदिवासी, अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, जनजात, आदिवासी, महिलाएं, मुस्लिम, सभी जात धर्म संप्रदाय के लोग जिस दिन भारत के संविधान को संपूर्ण रूप से समझ जाएंगे, जान जाएंगे, उस दिन संविधान को लागू करा देंगे, और उस दिन संविधान को लागू, जिस दिन संविधान लागू हो जाएगा, उस दिन इस देश पर समाज को गुलाम बनाने वाले लोग या तो वो गुलाम बन करके रहेंगे, वरना इस देश को छोड़ करके उनको जाना पड़ेगा। इसलिए वो नहीं करने देना चाहते। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब मंत्री बने थे, कानून मंत्री बने थे, और कानून मंत्री बनने के बाद बराबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चाह रहे थे कि भारत का संविधान लागू हो, भारत के संविधान में दिए गए कानून को संपूर्ण रूप से लागू हो, लेकिन बाबा साहब के कहने के बावजूद भी संविधान को लागू नहीं दिया गया। और जब बाबा साहब की बातों पर प्रधानमंत्री उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब अमल नहीं किया, तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने पत्र में लिख करके पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मैं बहुत दिनों से परेशान हूं और मैं कानून मंत्री पद से मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूं कि भारत में हिंदू वोट बिल लागू हो जाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि मैं चाहता हूं, इंतजार कर रहा हूं कि हिंदू कोड बिल लागू हो जाए। वो हिंदू कोड बिल क्या है? वो हिंदू कोड बिल क्या है? वो हिंदू कोड बिल है कि जिस देश में महिलाएं गुलाम, जिस देश में महिलाएं गुलाम हैं, वो देश गुलाम होने होना है। हमारी देश की महिलाएं गुलाम है, हमारी देश की महिलाएं गुलाम हैं। आज भी इतनी संख्या, इतनी आबादी के बाद भी पुरुष तो दिखाई दे रहे हैं। जब मैंने कहा भैया से कि कुछ महिलाओं को बुलाओ, वो गए थे बुलाने के लिए, आई और फिर डर के मारे वापस फिर चली गई। अरे को तैयार नहीं, जिसका बेटा यहाँ बैठा है, जिसका बेटा कार्यक्रम कर रहा है, जिसका भाई बैठा है, जिसका पति बैठा है, जिसका परिवार बैठा है, उसकी परिवार की महिला भी यहाँ आने में संकोच कर रही है। ये महिला आज भी गुलाम, महिलाओं को आज भी अपने को गुलाम, बाबा साहब ने तो आजादी दिला दी, लेकिन आज भी अपने को आजाद महसूस नहीं कर रही। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हिंदू कोड बिल क्यों लागू कराना चाहते थे? हिंदू कोड बिल है क्या? हिंदू कोड बिल था महिलाओं को बराबरी में लाना। जहां पर हमारे देश में महिलाओं की बाजार लगा करती थी, हमारी माँ बहनों को बेचा जाता था, हमारी महिलाओं की बाजार लगती थी, हमारी महिलाओं को बेचा जाता था, जहां पर हमारी महिलाओं को किसी के पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को उसके पति के चिता पर जिंदा जला दिया जाता था और नाम दिया गया था सती प्रथा। आज बहुत महिलाएं कहती हैं सती प्रथा। किसी के पति मर जाता था, उसकी पत्नी को पति की चिता पर जबरदस्ती बांध करके चिता पर और उसको जिला जला दिया जाता था। महिलाएं तड़पती थी, चिल्लाती थी, भागने की कोशिश करते थे, लेकिन उसी चिता में उसको बांध करके और जिंदा जला दिया जाता था, और कहा जाता था सती प्रथा का ये परंपरा।
जिसका इसके बाद परिवर्तन जब हुआ, जब इसका परिवर्तन हुआ तो फिर दोबारा जिस महिला का पति मर जाता था उस महिला विधवा महिला को जीवन भर शादी करने का अधिकार नहीं था। आज भी जिसका पति मर जाता है उस महिला की शादी दोबारा जल्दी लोग नहीं कहते हैं कि हमारे कुल में परंपरा में व्यवस्था नहीं है, ये जाति में व्यवस्था नहीं है कि हम महिलाओं की हम विधवा महिला की दूसरी शादी करें। और जब वो शादी करने के लिए कहीं तैयार भी हो जाती परिवार तो लड़के भी कहते हैं कि हम किसी विधवा महिला के साथ शादी नहीं करेंगे। वो महिला विधवा महिला जीवन भर तड़प तड़प करके मर जाती थी, अगर उसको कहीं किसी के शादी विवाह में रिश्तेदारियों में भी जाना पड़ता था तो रिश्तेदार लोग कहते थे और वो भी उनके परिवार लोग कहते थे कि शुभ घड़ी में विधवा को क्यों भेज रहे हो, अशुभ हो जाएगा, कहीं विधवा जाएगी उसके घर में तो अशुभ हो जाएगा। उसको किसी वो शादी विवाह में नहीं जाती थी, बाजार हाट में नहीं जाती थी, किसी से मिलती नहीं थी, घर में रह करके जीवन भर घुटो घुटो करके मर जाती थी। महिलाओं को प्रधान बनने का, पंच बनने का, जिला पंचायत बनने का, बीडीसी बनने का, विधायक बनने का, सांसद बनने का, डॉक्टर बनने का, मास्टर बनने का, सिपाही बनने का, दरोगा बनने का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार नहीं था। आप लोग देखे होंगे ये था हिंदू कोड बिल। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हिंदू कोड बिल बना करके सबसे पहले भारत में महिलाओं के अधिकार दिलाने का काम किया था कि भारत के संविधान में उन महिलाओं का अधिकार होना चाहिए कि विधवा महिला की शादी होनी चाहिए, और अगर उसका पति मर जाता है तो पति के मरने के बाद उसके बेटे के बराबर का जमीन उस पत्नी के नाम से आना चाहिए कि पति के मरने के बाद उसको दूसरे के सहारा न बनना पड़े और अपनी उस जमीन, अपने पति के उस जमीन, उस हिस्से की जमीन पर अपना जीवन अपना गुजारा बसार कर सके। आज आपने देखा होगा कि जब पति मर जाता है तो पत्नी के नाम से भी और आसन जमीन आती है, और यही नहीं बाबा साहब ने यह भी व्यवस्था दिया कि अगर बेटा बेटा है और बेटी भी है तो बाप के हिस्से में बेटी का भी हिस्सा लगना चाहिए। जो दावा करती है महिलाएं उनको मिलता है और जो नहीं करती है उनको नहीं मिलता है। बेटी बहन माँ को अधिकार हिंदू कोड बिल के तहत बाबा साहब ने दिलाने का काम किया, और यही नहीं आरक्षण की व्यवस्था ना हो तो कोई भी महिला अपने पत्नी को चुनाव लड़ाए, कोई भी पुरुष अपने पति को चुनाव लड़ाएगा। बीडीसी का चुनाव, पंच का चुनाव, प्रधानी का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्षी का चुनाव, ये जो चुनाव होते हैं, और चाहे नौकरियों में भी आरक्षण है, जब नौकरी में भी ये निर्धारित किया जाता है कि इतनी महिला सीट महिला नौकरी के लिए भी होनी चाहिए। अगर ये आरक्षण की व्यवस्था ना हो तो कोई परिवार अपनी महिलाओं को चुनाव लड़ाएंगे, उनको नौकरी करने का आदेश देंगे, ये किसने व्यवस्था दिया? ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने प्रथम हिंदू कोड बिल लागू करा करके ये महिलाओं को, आज जिन महिलाओं को कहा जा रहा है ये महिलाएं गुलाम हैं, ये घर से बाहर नहीं निकल सकती, ये बाहर नहीं जा सकती, अगर हिंदू कोड बिल पास नहीं होता तो इस देश की इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाती। अगर इंदिरा गांधी हो, चाहे वो सुषमा स्वराज हो, चाहे वो जयललिता हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे वो राबड़ी देवी हो, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, और चाहे आपके गाँव के प्रधान नहीं हो, अगर महिलाओं को नीचे से लेकर ऊपर तक महिलाएं अगर आगे बढ़ी हैं, और सावित्री बाई फूले अगर आपके सामने आज ये मंच पर बोल रही है, ये भारत के संविधान में दिए गए व्यवस्था के तहत सबसे पहले आजादी दिलाने का काम हिंदू कोड बिल पास कराकर बाबा साहब ने बराबर में लाने का काम महिलाओं को किया। लेकिन आज भी हमारी मातृशक्ति, आज भी हमारी महिलाएं अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं है, हमारे में भी गुलाम है और मुस्लिम महिला में भी, मुसलमानों में भी गुलाम है, उनमें भी पर्दा होता है, हमारे में भी पर्दा है। और जिस तरीके से महिलाओं को गुलाम बना करके रखा गया, मैं तो कहना चाहती हूँ कि लोग संविधान को नहीं जानते, संविधान को नहीं जानते, क्या जानते हैं? अभी चौपाई पूछा जाए रामायण की तो 50 चौपाई लोग जुबानी बता देंगे,
50 चौपाई बिना पढ़े और वो दोहा बोल डालेंगे। लेकिन है? और मुस्लिम भाइयों से भी पूछा जाए, किसके तहत आपको सुरक्षा मिल रही है वो नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुरान में दी गई बातों को वो बिना पढ़े ही बता देंगे। लेकिन जिस के तहत आप सुरक्षित हैं, आप उस कानून को नहीं जानते हैं। मैं आप लोग की भाषा में ही बताना चाहती हूँ कि यहाँ तमाम अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, जनजात, मुस्लिम समाज के लोग बैठे हैं, और जाति के, सामान्य जाति के लोग भी हो सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपसे लोग क्यों डरते हैं, आपसे क्यों डरते हैं? उसने डरते हैं कि अगर हम इनको मारेंगे तो हमारे खिलाफ मुकदमा होगा, हम कितना भी बड़े होंगे हमको जेल जाना पड़ेगा। डरते इसीलिए तो हैं, डरते कि नहीं डरते हैं? एक बार हमारे ऊपर हाथ उठाने से पहले वो डरते हैं कि अगर हम इनके साथ अत्याचार करेंगे तो हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, हमको जेल जाना पड़ेगा। तो इतना आप भी जानते हैं कि मार तो खाए हैं, थाने में जाएंगे जरूर। थाने में जाते हैं, वहां डरवा दिए जाते हैं, डरवा करके अपना वापस एप्लीकेशन ले लेते हैं। अगर आप डर करके बैठ जाए कि हमारी बेटी के साथ में अत्याचार हुआ है, हमारी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है और बलात्कार करने वाले को जेल जाना चाहिए, चाहे हम मर जाएंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमारा मुकदमा लिखो, उनको जेल जाना पड़ेगा, उनको जेल जाना पड़ेगा। वो कितना राजा के बेटा नहीं, राजा के बाप जो कर गए होंगे उनको भी जाना पड़ेगा अगर वो अत्याचार करेंगे। ये व्यवस्था संविधान में, कानून में है, लेकिन इस व्यवस्था को जानने की जरूरत है। थोड़ा बहुत जानते हो आप, पता भी है आपको, पता भी है, जानते भी हो। भाइयों बहनों, अगर आपकी जमीन पर कोई कब्जा करता है, आप थाने में जाते हो, एसडीएम के जाते हो, डीएम के जाते हो, एसपी के पास जाते हो, वो जमीन आपको वापस मिलती है, इसलिए कि वो कानून में व्यवस्था आपकी संपत्ति आपको मिलनी चाहिए, वरना उनको दंडित होना पड़ेगा, उनको जेल जाना पड़ेगा, मुकदमा। ये डरते किससे है? ये संविधान में दिए गए कानून से डरते हैं। और उस कानून के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको पता नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी व्यवस्था दिया था कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में गैर बराबरी को समाप्त कर दिया। जैसे भट्टे की जमीन, ऊंचा खाली जमीन, ऊंचा खाली जमीन क्या बराबर फसल दे सकती है क्या? तो जब ऊंचा खाली जमीन बराबर फसल नहीं दे सकती, तो ऊंच नीच जात वाला आदमी बराबरी में कैसे आ सकता? इस व्यवस्था को संविधान में, अगर आपको कोई चमार कह दे, पासी कह दे, खती कह दे, यादव कह दे, उर्मी कह दे, इस पर भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने धारा बना दिया, मुकदमा बना दिया, उनको भी इस शब्द पर, चमार पासी कहने पर भी उनको जेल जाना पड़ेगा। ये संविधान में व्यवस्था है, लेकिन इस बात को हमारे लोग, इस कानून को लोग नहीं जानते। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा, जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, उन्होंने कहा कि आज 26 जनवरी 1950 को हम अंत विरोधों का जीवन जीने जा रहे हैं, हम आरक्षण के तहत, हम राजनीति में तो बराबरी में आ सकते हैं, हम आरक्षण के तहत राजनीति में तो बराबरी में आ सकते हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक बराबरी हमारी बनी की बनी रहेगी, और इसके लिए हमको बराबरी में लाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आप लोकसभा में कानून बनाइए, संविधान में व्यवस्था है, उस बिल को लाइए और उसको लागू कराइए। अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर कहीं आपने ऐसा नहीं किया, तो जिस दिन भारत का गरीब, कमजोर, लाचार समाज के लोग जिस दिन ये जान जाएंगे कि भारत के संविधान में गैर बराबरी नहीं है, हम सबको बराबरी है, उस दिन संविधान को लागू कराने के लिए सड़कों पर निकल जाएंगे, उस दिन भारत में आपको जवाब देते नहीं बनेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए भारत के संविधान को लागू कराने के लिए कानून बिल लाइए,
उस व्यवस्था को संविधान में उन्होंने दिया। भाइयों बहनों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि जब भारत में जमीन के राष्ट्रीयकरण होना चाहिए।